मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से एक मेडिक्लेम सर्वेयर का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाला मामला सामने आया है। मीरा रोड पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम है डॉक्टर रोहित मिश्रा, लैब असिस्टेंट सीमांचल मिश्रा और भरत मिश्रा है, जबकि इनका एक साथी राजेश मिश्रा अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कुछ मरीजों के मेडिक्लेम बिल पीड़ित संदीप कुमार दीक्षित को भेजे थे, जिसे उन्होंने पास नहीं किया। मेडिक्लेम रिजेक्ट किए जाने से नाराज आरोपियों ने 16 मार्च के दिन बात करने के बहाने पीड़ित संदीप कुमार दीक्षित को बुलाया और फिर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी के अंदर ही उनकी जमकर पिटाई की। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने के बाद 18 मार्च को पीड़ित ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कंप्लेनेंट श्री संजय कुमार विजय सिंह दीक्षित, इन्होंने ये कंप्लेंट हमारी इधर लॉन्च किया है। उनको किडनैप किया, खंडनी के लिए पैसा मांगा और मुंह पे जबरदस्ती चार लोगों ने मारहाण किया। इसके मामला दर्ज करके हमने इसमें से तीन आरोपियों को अटक किया है। पीड़ित संदीप कुमार दीक्षित के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें कई मरीजों के फर्जी मेडिक्लेम बनाकर भेजे थे, जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते आरोपियों ने उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की। तो मैं और मेरा कलीग दोनों वहाँ पे चले गए। वहाँ पे बगल में एक चाय की दुकान है, बैठक चाय करके। हम लोग ने चाय लिया, चाय लेके बैठे ही थे तब तक वहाँ पे अर्पित, ये रोहित मिश्रा, डॉक्टर रोहित मिश्रा और भरत मिश्रा और एक और आदमी, तीनों जन कार से आए, मेरे पास आए। बोले दीक्षित जी, दो मिनट बात करना है, जरा सुन लीजिए। बोले ठीक है, बैठिए। मैं उनको चाय भी ऑफर किया कि चाय लिया हूँ, आप भी पी लीजिए, बात कर लेते हैं, यहीं बैठ जाइए, क्या बात है। बोले नहीं, दो मिनट खाली बात कर लीजिए। तो मुझे लगा मेरा जो कलीग है उससे कुछ प्राइवेसी होगा, उनका कुछ बात करना है उनसे, तो मैं वहाँ पे उठ के चले गया। तो कार के पास लेके गए, बोले बैठिए, दो मिनट अंदर बात कर लेते हैं फिर चलते हैं। जैसे मैं कार में बैठा, उन्होंने एक बगल से, एक भरत मिश्रा बैठा और एक दूसरा आदमी वहाँ से राइट साइड से, दोनों साइड से मुझे पैक कर दिया और आगे रोहित मिश्रा ने ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। ये दोनों गाड़ी लॉक करके गाड़ी आगे ले लिए। फिर मुझसे पूछने लगे कि आप मेरे हॉस्पिटल की बदनामी करते हो, ये वो करते हो। मतलब सर, हॉस्पिटल की बदनामी क्यों करेंगे, बोलते पेशेंट से बदनामी करते हो आप, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ। मेडिक्लेम सर्वेयर से मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार इस तरह से मीरा भाईंदर में कितने अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों के हेल्थ इंश्योरेंस का फर्जी मेडिक्लेम बनाकर इंश्योरेंस कंपनियों को चूना लगाने का काम किया है। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि कोविड 19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर अस्पतालों द्वारा इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है, जिसका खुलासा भी पुलिस जल्द कर सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।